हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास 4 एंड 5, आज से हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। मैंने कल यही बताया था, बहुत एरिया एंड पेरीमीटर पढ़े अपने क्लास के अकॉर्डिंग। आज हम लोग जो नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है लाइलर इक्वेशन। और इंपॉर्टेंट लेसन से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और सारे चीज को ध्यान से बारीकी से देखेंगे और काफी दिन हम लोग पढ़ेंगे और पूरा डीपली पढ़ाई होगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट j+4 = 30 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज। देखिए, याद कुछ नहीं होता है तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई होता है, और जब ये ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5j+20 = 30। पहले इसका काम होगा क्योंकि ये प्लस में है, जब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो जेंडर बदल जाता है, 20 हो जाएगा माइनस में, तो 5j बराबर घटाएंगे 15 हो गया। j बराबर क्या होगा मल्टीप्लाई में, यहां कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा, तो डिवाइड में आता है, तो j का वैल्यू कितना हो गया, प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए 5 ब्रैकेट j+4 क्या 35 आएगा, तो इसका वैल्यू 3 हो गया, गुना है ब्रैकेट से उठाएंगे, आ गया ना 35। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, y का वैल्यू निकालना है, 2y - 5 = 0.2। अब देखिए ये 2 यहां मल्टीप्लाई है जो छुपा हुआ है, पहले मल्टीप्लाई को डिवाइड में ला देते हैं तो क्या बच जाएगा, y - 5 / 2 = 0.3 से भागा ही दे देते हैं, पॉइंट आ गया एक बार में तो एक आया, 0.1 ऐसे मिला लेंगे, 2y - 5 आएगा, क्या बन गया 2y - 5/2 = 0.15, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2y - 5 = 5 × 10 = 0.30 हो गया, 2y यही रहेगा, 0.30 में प्लस हो जाएगा 5 उधर जाएगा, 2y = क्या हो गया 5.00 हो जाएगा, y = 5.30 / 2 × 4 ऐसे कर लेते हैं, 2.65 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, 5/8 एक्स है, ये क्या है -6 = 9। देखिए 5/8x पे यही रखेंगे और 6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 5/8x = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x यही आ जाएगा, 8 × 15 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 5/x = राइट आंसर 24। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 3x - 5/3 = x करते हैं, x को x के तरफ और on को on के तरफ, 3x ये प्लस में है तो -6 आ गया, ये भी माइनस में है तो बच्चों इधर प्लस में आ जाएगा और ये तो -3 है, इधर 2x बच गया, 3x ये भी 5 - 3 कितना आ गया 2/3, तो 2x = 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x = 2, तो x = 2/6 काट देंगे, राइट आंसर है। देखिए ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया ना, इधर 1 आएगा तो ये 3 का 9 आएगा, तो बच्चों जब 9 आएगा तो -4/3 होगा। ओके, अब यहां हो जाएगा -4/3, अब इसको फिर से गुणा करते हैं 6x - 4, x = -4/6 कट गया तो x = आएगा -2/3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 0.6x - 1.9 = 0.2x है, x
प्लस 0.5। पहले हम x को x के तरफ करते हैं तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 0.6 में 0.2 को घटाओगे तो 0.4x हो जाएगा। 1.9 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 2.4 हो जाएगा। x बराबर ये डिवाइड में आ गया, पॉइंट पॉइंट उड़ गया, 24/4 6 आएगा। ओके,